अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि नेचर ऑफ फ्लूइड्स के बारे में एंड रिलेटिव वेलोसिटी, उसके प्रिंसिपल्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड के, फ्लूइड के कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, एंड उनके डेफिनेशंस वगैरह क्या हैं। सो फर्स्ट, जो फ्लूइड है उसको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लैमिनर फ्लो एंड सेकेंड वन इज़ टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देखने से पहले आपने जस्ट एक पॉइंट को अपने जहन में रखना है, वो ये कि लैमिनर फ्लो की जब भी बात आनी है, आपने ये जहन में बात रखनी है कि जो बॉडी की वेलोसिटी है इसमें क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। अगेन, बॉडी की जो वेलोसिटी होती है, दो चीज़ें होती हैं ना फ्लूड में, एक फ्लूड है जिसपे आप मूव कर रहे हो और एंड एक बॉडी है जो कि मूवमेंट परफॉर्म कर रही है, दो चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बॉडी की बात कर रहे हैं कि लैमिनर फ्लो में जो बॉडी की वेलोसिटी है वो स्मॉल होती है, ठीक है। बट जब हम टर्बुलेंट फ्लो की बात करते हैं तो इसमें बॉडी की वेलोसिटी है ये हाई होती है, ठीक है। एग्जाम में हमसे ज़्यादातर वो ये भी पूछ सकते हैं लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो में डिफरेंस बताएं, तो ये मेजर डिफरेंस है इनमें, ठीक है। इसी से हम इसकी डेफिनेशन भी लर्न करेंगे। लैमिनर फ्लो ऐसे फ्लो के हम बोलते हैं जो कि स्मूथ पैरेलल लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाई स्मूथ पैरेलल लेयर्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है, जिसमें स्मूथ पैरेलल लेयर्स हो। ऐसा मतलब आपने ये बात याद रखनी कि ऐसा फ्लो है कि अगर जिसमें बॉडी मूव कर रही है, बॉडी की वेलोसिटी इतनी कम है कि वो जो उसमें उसकी लेयर्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही, ठीक है। पानी की जो लेयर्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो उसको हम बोलते हैं लैमिनर फ्लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पर वो बोल रहे हैं, ये देखें ये वाटर है, ठीक है, यहाँ मूवमेंट हो रही है और आपने ये अपना हैंड जो है ना पानी में से गुजारा है, तो जो हमारे हैंड की वेलोसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो कम है, बहुत आराम से आपने अपना हैंड को अंदर से गुजारा है तो पानी में से, तो वो बोल रहे हैं कि जो पानी की जो लेयर्स हैं, ठीक है, ये लेयर्स हैं, इन पर कोई इतनी खास डिस्टर्बेंस नहीं आई, ये अपनी जैसे मूवमेंट पहले परफॉर्म कर रही थी पैरेलल लेयर्स में, वैसे ही वो अपनी मूवमेंट को परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लैमिनर फ्लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें, अगर आप सैर करने के लिए अगर आप जाएं दरिया वगैरह पे, तो अगर आप हम आम लोग हम सब ये करते हैं कि पानी में अपना हाथ डालते हैं, ठीक है, तो वो एग्जांपल ले लें आपके, वो जो हमारा हम हाथ डालते हैं चेक करते हैं पानी को, वो पानी की जो लेयर्स हैं उनको इतनी ज़्यादा मुतासिर नहीं करती, इतना ज़्यादा उनको चेंज नहीं करती, वो जैसे मूव अपनी कारी होती हैं वैसे ही कारी होती हैं, इसको हम बोलते हैं लैमिनर फ्लो, ठीक है। अब टर्बुलेंट फ्लो हम किसको बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो हम बोलते हैं जिसमें बॉडी की वेलोसिटी बहुत हाई हो। टर्बुलेंट फ्लो में जो हमारे पानी है उसकी जो लेयर्स हैं वो मिक्सअप हो जाती हैं, ठीक है। इसके भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, बुक से ही आप देख लें, ठीक है, ये पानी की लेयर्स हैं, ठीक है, ये बॉडी ने इतनी ज़ोर से मूव किया पानी में कि उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा थी कि जो हमारी ये देखें मिक्सअप हो गई हैं, जो लेयर्स हैं पानी की वो मिक्सअप हो गई हैं, इसको हम बोलते हैं टर्बुलेंस, ठीक है, टर्बुलेंस फ्लो। अगर आपने देखा होगा कि अगर हम हाई जंप करते हैं किसी भी स्विमिंग पूल में ही करते हैं, ठीक है, हाई जंप अगर हम ऊपर से नीचे स्विमिंग पूल में जंप करते हैं, तो जब हम जंप बॉडी नीचे पानी में गिरती है तो वो इतनी ज़्यादा उसमें वेलोसिटी से गिरती है कि वो जो लेयर्स होती हैं वो सारी मिक्सअप हो जाती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। इसकी आप सिंपल एक एग्जाम्पल देख लें घर से। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अगर ये हमारे पास वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, अगर हम इसमें ये नमक को मीन के नमक की जो वेलोसिटी, वैसे तो हम ह्यूमन मूवमेंट की बात कर रहे हैं लेकिन ये आपको समझाने के लिए है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, नमक की जो वेलोसिटी है, देखिए जो नमक की वेलोसिटी है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है, हमने इसमें डाला, ये नमक की जो वेलोसिटी है ना, इसकी आप ये समझ लें कि इसकी वेलोसिटी बहुत कम है, ठीक है, पानी की जो इसमें ज़र्रात हैं, पानी के जो ज़र्रात इसमें गए हैं उनको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा पानी की मूवमेंट में या पानी की किसी भी चीज़ में खास नहीं पड़ा। अब देख लें, हम लेते हैं स्पून, ठीक है, जब हम स्पून, ये है लैमिनर फ्लो, जो भी आपको मैंने बताया कि हमने नमक, जो हमने पानी में नमक डाला, ये आप देख लें कि ये लैमिनर फ्लो है कि पानी की जो है ना जो लेयर है उनको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। बट अगर हम ये देखें, ये स्पून है, इसको हम ऐसे मतलब कि सिंपली ज़ोर से मिक्सअप करते हैं, ठीक है, हमने जो चीज़ डाली है उसको मिक्सअप करने के लिए अगर हम ज़ोर से मिक्सअप करते हैं तो जो पानी की लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, वो मिक्सअप हो रही हैं, ठीक है, थीके? तो जब लेयर्स मिक्सअप होंगी तो उनको हम बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है।
अब जो पॉइंट्स आपने बुक में से करने हैं वो आप निशान लगा लें उनके। बुक में उनने हमें पॉइंट दिया हुआ है लेमिनर वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो, बिकॉज एग्जाम में काफ़ी दफ़ा वो इनके डिफरेंशिएट इन दोनों में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपने फर्स्ट क्या करना है, थ्री पॉइंट्स आपने याद करने हैं। फर्स्ट आपने ये दोनों की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। इन दोनों की डेफिनेशन करने के बाद जो आपने सेकेंड पॉइंट लिखना है वो ये लिखना है। सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है लो वेलोसिटी, ठीक है, लो वेलोसिटी रिलेटिव टू फ्लूड मीडियम, ठीक है। ये बस जस्ट आपने पॉइंट लिखना है कि जो लैमिनर फ्लो है उसमें वेलोसिटी लो होती है बॉडी की। एंड जो नेक्स्ट इसका थर्ड पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन में आपने जो ये जो लाइन है ये टर्बुलेंट फ्लो की, ठीक है, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है हाई वेलोसिटी रिलेटिव टू ए सराउंडिंग फ्लो, ठीक है, जो इसमें बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो हाई होती है, ये पॉइंट है। ये आपने दोनों पॉइंट्स करने हैं। देन आपने लिखनी है एग्जाम्पल, यहाँ पर ऊपर उन्होंने थर्ड एग्जाम्पल दी हुई है, ये फर्स्ट थ्री लाइन्स की है, ठीक है। ये आपने देख लें, जो अभी मैंने आपको वाटर की एक्सप्लेन की है कि इंसान या कोई भी इंसान वाटर में मूव करता है तो अगर उसकी जो वेलोसिटी है वो कम है तो वो पानी को इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा तो वो हमारा लेमिनर फ्लो होगा। बट अगर आप बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बहुत हाई है, ठीक है, वो बहुत ज़ोर से पानी में गिरा और उसने जाके फ्लूड को मिक्सअप कर दिया है, पानी की लेयर्स को मिक्स कर दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। तो ये आपने एग्जाम्पल करनी है इसकी, एंड साथ आपके इसकी एग्जाम्पल करनी है, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। देन जो हमारा इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है वो है बियॉन्से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो है बियॉन्से। बियॉन्से क्या है, ये ऐसी फोर्स है, इसको हम ऐसी ये जो पानी की ये जो फ्लूड में आप मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसकी ऐसी जो सॉरी फोर्स है जो कि ऑलवेज एक्ट करती है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, वर्टिकली अपवर्ड। आसान लफ्जों में अगर आप इसको बयान करना चाहते हो बियॉन्से को, तो आप ये जहन में रख लें कि जो चीज़, ठीक है, डूबने नहीं देती, जो फोर्स पानी में डूबने नहीं देती उसको हम बोलते हैं बियॉन्से फोर्स, ठीक है। अगर आप पानी में मूव कर रहे हो तो एक फोर्स होती है पानी में, ठीक है, जो आपको डूबने से वो कंडीशंस डेफिनेटली कंडीशंस पे डिपेंड भी होता है, बट जो फोर्स आपको डूबने से बचाती है उसको हम बोलते हैं बियॉन्से, ठीक है। अब जो ये प्रिंसिपल है बियॉन्से, इसको उन्होंने एक जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उसके ज़रिए एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जो हमारी बियॉन्से है उसको एक प्रिंसिपल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया, उसका नेम है आर्किमिडीज, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जो हमारी बियॉन्से फोर्स है, ठीक है, जो हमारी बियॉन्से फोर्स है वो इक्वल होती है वेट के, ठीक है। जो बॉडी में आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने पानी में कोई चीज़ डाली है, ठीक है, कोई भी चीज़ आप देख लें कि ठीक है, वाटर में अगर आपने कोई ईंट का पत्थर डाल दिया, ठीक है, या फिर अगर कश्ती, जैसे हम लोग कश्ती मूव करती है, ठीक है, वो होल्ड रखती है पानी में कि वो डूबे ना, ठीक है, सिंक ना करे, ठीक है। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो बियॉन्से की फोर्स है ना वो इक्वल होनी चाहिए वेट की। जो वेट पानी के ऊपर डाला है हमने, ठीक है, जैसे वो शिप है, ठीक है, उसका जो वेट है वो इक्वल होना चाहिए बियॉन्से फोर्स के, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, बियॉन्से की जो बियॉन्से फोर्स है वो इक्वल होना चाहिए वेट के जो कि आपने डाला है पानी के ऊपर, ठीक है। जब भी पानी जो वेट है वो ज्यादा होगा तो वो जो चीज आपने डाली है वो डूब जाएगी, ठीक है, वो फ्लोट नहीं होगी। इसी प्रिंसिपल को उन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट के जरिए बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो बोलते हैं कि अगर जो वेट है, ठीक है, यहाँ मैंने बोला ये हमारा प्रिंसिपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जो बियॉन्से की फोर्स है वो वेट के इक्वल होनी चाहिए। अगर जो बियॉन्से की फोर्स है वो इक्वल होगी वेट के, जो मीन के जो शिप मूव कर रही है किसी भी रिवर में, ठीक है, तो वो उसकी अगर फोर्स इक्वल होगी, अगर उसका वेट इक्वल होगा बियॉन्से फोर्स के, तो वो मूव ठीक तरीके से कर पाएगी। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी चीज़ डाल दी जिसका वेट बियॉन्से फोर्स से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो मूव वो फ्लोट नहीं करेगी, वो सिंक कर जाएगी, वो डूब जाएगी, ठीक है, ये पॉइंट। एंड देन अब ये जो हमने जितना जो प्रिंसिपल पढ़ा है बियॉन्से फोर्स को पढ़ा, उन्होंने हमें एक इसका फार्मूला दिया इसको मेजर करने के लिए, वो फार्मूला क्या है, एफ
मीन कि ये फोर्स है, बायोन्सी फोर्स है, ये इक्वल होता है वी डी एंड ये वाइट। अब इसको हम क्या बोलते हैं, जो वी डी है वो है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, ठीक है। जो आपने चीज़ डाली है उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो आपने एक जो फ्लूड है, जो पानी है, उसमें जो आपने चीज़ डाली है उसका वॉल्यूम, ठीक है। एंड देन जो सेकेंड है वो है स्पेसिफिक वेट, ठीक है, फ्लूड पे जो स्पेसिफिक वेट डाला है उसके इक्वल होती है बायोन्सी फोर्स, ठीक है, टोटल मीन के वेट के इक्वल होती है, ठीक है। ये टोटल, ये इस टोटल को आप बोल लें, ये जो कंप्लीट वी डी एंड वाई है इसको हम बोलेंगे वेट, एंड ये बायोन्सी फोर्स, ये इज इक्वल, ये इसके इक्वल होती है वेट। अगर वेट जो उनसे वो ज़्यादा हो जाएगा बायोन्सी फोर्स से, तो वो चीज़ सिंक कर जाएगी, एंड अगर उसका वेट इक्वल होगा तो वो फ्लोट करेगी, ठीक है। अब जो बुक में से आपने इसके पॉइंट्स करने हैं वो देख ले आप, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ से बेयोंसी की डेफिनेशन करनी है, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन में ही बिल्कुल लिखी हुई है, ये आपने करनी है, ठीक है, जस्ट इसकी ये डेफिनेशन करनी है। देन जो जो इसका प्रिंसिपल है जिससे इसका डिराइव, ये फोर्स डिराइव किया गया है, वो है ग्रीक मैथमेटिकन आर्किमिडीज, ये आपने देखना है। और इसकी जो लिखी हुई है डेफिनेशन वो ये है, ठीक है, साइड पे आपने ये डेफिनेशन करनी है। देन उसके बाद आपने ये फार्मूला करना है, ये जो फार्मूला भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, ये फार्मूला करना है। और ये जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि इसको हम क्या बोलते हैं, वी को हम क्या बोलते हैं, डी को हम क्या बोलते हैं, ये आपने देख लेना है। एंड नेक्स्ट जो अगला पॉइंट आपने करना है वो है एग्जाम्पल इसकी, ठीक है, ये आप एग्जाम्पल एक देख लेंगे यहाँ तक, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपने देख लेनी है। नेक्स्ट जो मैंने आपको यहाँ से पॉइंट बताया कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ फ्लोट कर रही है और कौन सी चीज़ सिंक करेगी, तो वो आपने पॉइंट यहाँ से फ्लोटेशन के सेकंड जो लाइन है, फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन है, यहाँ से आपने देख लें, ये आप यहाँ अंडरलाइन कर ले, व्हेन वेट एंड दी बायोंड फोर्स, ठीक है। इसमें वही इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर बायोंड फोर्स इक्वल होगी वेट के तो वो फ्लोट करेगी, अगर इक्वल नहीं होगी, वेट ज़्यादा होगा तो वो सिंक कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपने ये देखें, यहाँ तक आपने ये पैराग्राफ करना है, ठीक है, जस्ट।